हेलो स्टूडेंट्स, एक लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग हो तो हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं, ये थ्योरी पार्ट किया था हम लोगों ने। आज उसके थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल के वो पार्ट जो डिफिकल्ट हैं। हालांकि इसके चार केसेस हैं, पहले उन चारों केसेस को देखते हैं एक बार। उन चार में से दो केस इजी हैं, वो इजी वाले कौन से हैं उनको देखिएगा। फर्स्ट केस है व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या है, हमारे पास इतने प्रॉफिट हैं कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट को आसानी से पे कर सकते हैं। ये कब होता है, दो केसेस में हो सकता है ये, जब जो प्रॉफिट फर्म में अर्न हुआ है या तो वो इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब उसके अमाउंट के बराबर है, या जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो बिजनेस को हुआ है फर्म को, इट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिएगा सिचुएशन बहुत इजी है, इसके आप क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, P&L अप्रोप्रिएशन जो बनाते हो। जब प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के बराबर है या प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। इस केस में हम पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं, यानी P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्रेडिट में जैसे प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन देयर इज अ लॉस इन द फर्म। फर्म में प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। देखिए, जब पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, लेकिन याद रखिए कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ तभी करेंगे जब फर्म को प्रॉफिट हो। यहां तो हो गया क्या, लॉस। जब लॉस होता है फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड द लॉस, जो लॉस गिवन है इसे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हमारा सेकंड केस है, बहुत इजी है। दोनों केस दोबारा देख लो, जब प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है इंटरेस्ट के बराबर या उससे ज़्यादा, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर देते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं। लेकिन जिस केस में हमारे पास लॉस हो फर्म में, इन दैट केस हम पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। अब केस नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, थर्ड केस क्या है हमारा। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है बेस, उस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। सी द न्यूमेरिकल प्लीज। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ए बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 10 लाख एंड 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 है। हमें क्या करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड करके दिखाना है हमें। क्वेश्चन और केस शुरू करने से पहले थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, चलिए ये काम आएगी लेटर ऑन आपको। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की कैपिटल है देखिए 10 लाख की, इंटरेस्ट है 10%, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ए को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है 1,00,000 रुपीज, जो हमने कैपिटल पे देना है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। सेकंड देखिए, बी की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट, बी की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 10%, 50,000 बी को, यानी ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट 1 लाख, बी की कैपिटल पे 50,000। अगर दोनों का टोटल देखें तो दोनों को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है 1,50,000। याद रखिएगा ए और बी दोनों को इंटरेस्ट 1,50,000 रुपये का देना है और हमारे प्रॉफिट कितने हैं, 1,20,000, यानी प्रॉफिट कम है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक और केस हमारे सामने आएगा, वो क्या, एक फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रेशो की, वो है इंटरेस्ट रेशो, यानी जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है इसकी रेशियो क्या है। रेशियो देखिए कैसे, ए और बी, ए को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है 1,00,000 रुपीज, बी को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है 50,000, इन दोनों की रेशियो, यानी इन दोनों वैल्यू को 50,000 से डिवाइड कर दो,
टू इज टू वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, 1/3, ये 3, ये हमारी इंटरेस्ट रेशियो है जो लेटर ऑन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगी। अब ये तो हमने देखा सिर्फ क्वेश्चन और थोड़ी सी वर्किंग, अब केस नंबर 3 है क्या उसको देखिएगा। केस 3, व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, ये हमारा थर्ड केस है कि जब फर्म को प्रॉफिट हुए हैं वो इनएडिक्वेट हैं। इनएडिक्वेट का मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, यानी जो पार्टनर्स को दिए जाने वाला इंटरेस्ट है वो ज़्यादा और प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो कम है। देखिए अब हम जो ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें देखो आप, प्रॉफिट अर्न ₹1,20,000, इंटरेस्ट ₹1,50,000, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट से ज्यादा हम कभी इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, यानी मैक्सिमम इंटरेस्ट टू बी अलाउड कितना होगा मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए मैक्सिमम इंटरेस्ट टू बी अलाउड, यानी कितना इंटरेस्ट हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं जितने प्रॉफिट हैं, सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट तक, और प्रॉफिट है 1,20,000। दोबारा देख लो बेटा सिचुएशन, प्रॉफिट है 1,20,000, इंटरेस्ट ज्यादा है, हम इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन कितना, मैक्सिमम उतना हो सकता है जितने फर्म के प्रॉफिट हैं, यानी 1,50,000 को घटाकर कितना कर दिया जाएगा, 1,50,000 को रिड्यूस करके, बाय रिड्यूसिंग, यानी 1.5 लाख की बजाय हम इंटरेस्ट देंगे 1,20,000, लेकिन दोनों में डिवाइड कैसे करें, इंटरेस्ट रेशियो यूज होगी। याद रखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं होगी, इंटरेस्ट रेशियो यूज होगी, यानी जब भी हमारे प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो तो प्रॉफिट को एज इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट रेशियो में। तो ए को दिया जाने वाला इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए एज इंटरेस्ट 1,20,000, जो ये प्रॉफिट है इसको इंटरेस्ट रेशियो में डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट रेशियो 2/3 है ए की, इट विल अमाउंट टू ₹80,000, यानी ए को जो इंटरेस्ट मिल सकता है वो 80,000 है। ए का था कितना देखो ध्यान से, हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख, लेकिन 1 लाख नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे प्रॉफिट कम हैं। ए को इंटरेस्ट मिलेगा 80,000, बी को कितना मिलेगा, प्रॉफिट का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेशियो, बी को मिलने वाला इंटरेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ ये हो गया 40,000। ये है तरीका कि जब हमारे प्रॉफिट कम हो तो हम पार्टनर्स में इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन कितना, जितने प्रॉफिट हो, कैसे, प्रॉफिट को इंटरेस्ट रेशियो में डिवाइड कर दो। अब अगर आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया है तो P&L अप्रोप्रिएशन देखिए कैसे बनाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट कंप्लीट फॉर्मेट लीजिएगा। क्रेडिट में हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा था उसे हमने कम किया है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को इंटरेस्ट दिया जाने वाला है 80,000, था उसका 1 लाख कम कर दिया गया, बी को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है 40,000, तो हमने इस तरह से इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये हमारा कौन सा केस है, जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, यानी जब बिजनेस में प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो हमने कैसे करना है, इस तरह से करना है। अब हमारा केस नंबर 4 शुरू होगा, केस नंबर 4 बता देता हूं मैं आपको, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज, यानी इंटरेस्ट देना कंपलसरी है चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा। तो केस नंबर 4 देखिए क्या है, केस नंबर 4, व्हेन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज. चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सपेंस, यानी रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट हमारे कम हो या ज़्यादा, या बिजनेस में लॉस क्यों ना हो, हमें इंटरेस्ट कैपिटल पर देना पड़ेगा. तो यहाँ सिचुएशन देखिए अब कैसे चेंज होगी. प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स को दिया जाने वाला 150,000, इंटरेस्ट दिया जाने वाला है 150,000 और हमारे प्रॉफिट हैं 1,20,000 के. तो हमें पूरा इंटरेस्ट देना है. अब इसे कैसे देना है, अब यहाँ देखिए प्रॉफिट हमारे कम है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है और हमें पूरा इंटरेस्ट देना है. तो एक बात याद रखिए, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन सकता, इस केस में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कारण क्या है, इंटरेस्ट को हम चार्ज मानकर चल रहे हैं, कंपल्सरी एक्सपेंस, और साथ में प्रॉफिट का अमाउंट कम भी है, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा अलाउ करना है, इस केस में फर्म को लॉस होना लाजमी है. देखिए कैसे प्रॉफिट लिखेंगे. सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट है 1,20,000. हमने देखना ही नहीं प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट पूरा दे दो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज, यानी इसको देना कंपलसरी है. तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही कैपिटल पे पूरा इंटरेस्ट देखिए 1,00,000 जो हमारी कैलकुलेशन थी. बी की कैपिटल पर भी पूरा इंटरेस्ट देंगे 50,000. पार्टनर्स को इस तरह से हमने पूरा इंटरेस्ट अलाउ कर दिया. अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है. जब डेबिट साइड ज़्यादा हो या एक्सपेंसेस ज़्यादा हो किससे, प्रॉफिट से, तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस. तो इसका टोटल करेंगे अब 1,50,000. 150 में से 120 माइनस कर दो, 30,000 का लॉस होगा और ये लॉस पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा. याद रखिए अब हम इंटरेस्ट रेशियो यूज नहीं कर सकते, जब भी प्रॉफिट या लॉस डिवाइड होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी. 30,000 का जो हमारा लॉस है, रेशियो है देखिए 1:1, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 15,000 ए को मिलेगा, 15,000 बी को मिलेगा, टोटल हो गया 30,000. दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, इट विल अमाउंट टू ₹1,50,000. इस केस को फटाफट फिर से देख लो, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन इंटरेस्ट पूरा का पूरा देना है. क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, इसे कंपलसरी एक्सपेंस मानना है. तो हमने जब पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया, उसकी वजह से फर्म को हो गया लॉस और उस लॉस को हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.